तलवार से गला रेत कर निम्बोड़ा निवासी भरत वैष्णव की हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी को छोटी सादड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सीआई रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसपी पूजा अवानी के निर्देशन में पुलिस ने भरत वैष्णव हत्याकांड के मामले में शामिल घटना के दिन जंगल में रास्ते पर निगरानी करने वाले पीतलवड़ी गाँव निवासी रफ्तार अली पुत्र सुब्बान अली सैयद मुसलमान को गिरफ्तार कर न्यायिक को हिरासत में ले लिया है। सीआई ने बताया है कि पुलिस ने गोपनीय व मुखबिर की सूचना पर आरोपी रसीद खां पुत्र छोटे खां पठान निवासी पीतलवड़ी कला व अमजद पुत्र हमीद अली सैयद निवासी पीतलवड़ी कला को पहले ही गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टोपीदार बंदूक पिस्टल व बाइक को बरामद किया था तथा सत्तार पुत्र सुब्बान अली निवासी पीतलवड़ी कला की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पुलिस ने इससे पूर्व 29 मई को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रसीद लंगड़ा व इराक खान को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा किया था।